नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शरद पवार ने 2024 के चुनावों के बाद विपक्षी राजनीति में संभावित बदलाव का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ अधिक निकटता से जुड़ेंगे, या अगर उन्हें लगता है कि ये उनकी पार्टी के लिए सबसे अच्छा है तो वो कांग्रेस में विलय के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी एनसीपी पर भी लागू होता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस और हमारे बीच कोई अंतर नहीं दिखता, वैचारिक रूप से हम गांधी नेहरू विचारधारा के हैं। फिर उन्होंने तुरंत कहा, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा, सहकर्मियों से सलाह किए बिना मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, वैचारिक रूप से हम कांग्रेस के करीब हैं। शरद पवार ने कहा कि देश का मूड मोदी के खिलाफ हो रहा है और हम गांधी और नेहरू के विचारों पर चलते हुए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2019 और 2024 के बीच एक और अंतर है। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तुलना में कई अधिक युवा लोग खुद को विपक्षी दलों के साथ जोड़ रहे हैं। पवार ने कहा कि हालात जनता पार्टी जैसी बन सकती है। चुनाव की घोषणा के बाद विभिन्न दलों के एक साथ आने के बाद जनता पार्टी का गठन किया गया और उन्होंने सरकार बनाई, तब भी अब की तरह विपक्ष ने चुनाव से पहले अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। बाद में मुरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना गया था। शरद पवार ने कहा कि आज राहुल गांधी की स्वीकार्यता 1977 में मुरारजी देसाई से भी अधिक है। देसाई के विपरीत उन्हें अपनी पार्टी में पर्याप्त समर्थन प्राप्त है। पवार ने आगे कहा, राहुल गांधी हम सभी के साथ तालमेल बना रहे हैं। लोगों को लगता है कि वो ईमानदारी से समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ लाना चाहते हैं। पवार ने याद किया कि कैसे राहुल ने उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने कई विषयों पर गंभीर चर्चा की थी। मुरारजी देसाई इस तरह काम नहीं करते थे। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि स्थिति की मांग है कि हम एक साथ काम करें, यही विपक्ष में सामान्य सोच है, और अगर हम चुने जाते हैं तो हमें एक स्थिर सरकार देनी चाहिए। आज ट्विटर पर आकाश आनंद ट्रेंड कर रहे हैं। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने मंगलवार देर रात अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उनके पद से हटाने का ऐलान किया था। उनसे उनके पद छीन लिए गए। मायावती ने पूर्ण परिपक्वता हासिल करने तक उन्हें अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया। इसके बाद अब ट्विटर पर वो ट्रेंड कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म मेकर विनोद कापड़ी कहते हैं, आकाश आनंद ने संविधान पर खतरे की बात की। आकाश ने आरक्षण पर खतरे से आगाह किया। आकाश ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला किया। आकाश ने साफ साफ मोदी का नाम लिया। सिर्फ एक हफ्ते में आकाश ही साफ हो गए। ये लोकतंत्र है। ट्विटर यूजर अश्विनी सोनी लिखते हैं, बीजेपी के हित में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक पद और खुद के राजनीतिक उत्तराधिकारी से भी हटा दिया। अब सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं कि आकाश को भाजपा के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 निर्दलीय विधायकों के राज्य सरकार से समर्थन वापस लेने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत सारे विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं, कब कौन क्या करेगा, चुनाव अभी लंबा चलेगा। बता दें, मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और पुंडरी से रणधीर गोलन ने समर्थन वापस लेने की घोषणा की थी। तीनों स्वतंत्र विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने की भी घोषणा की है। हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता दल के नेता दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार के संकट पर प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चलो मुख्यमंत्री आज ये तो मान चुके कि वो कमजोर हो चुके, और ये कमजोरी मानने वाला मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि नैतिक आधार पर प्रदेश का नेतृत्व करने लायक नहीं है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का हरियाणा सरकार को लेकर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी की सरकार अल्प में अगर सरकार को गिराया जाए तो हम सरकार गिराने में बाहर से समर्थन करेंगे। अब ये कांग्रेस में सोचना है कि वह बीजेपी सरकार को गिराने के लिए कोई कदम उठाएंगे या नहीं। हम बाहर से समर्थन देंगे, जब तक व्हिप की ताकत है तब तक वोट सबको व्हिप के आदेश के अनुसार डालना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के धार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 400 सीट इसलिए जीतना चाहता हूं कि ताकि कांग्रेस अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी तला न लगाते। उन्होंने कहा कि मोदी 400 सीट चाहते हैं ताकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकें, ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू न कर दे, ताकि अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी तला न लगा दिया जाए, ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप दूसरे देशों को ना सौंपे।
ताकि एससी एसटी ओबीसी को मिले आरक्षण पर कांग्रेस वोट बैंक के लिए डाका ना डाले, ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात ओबीसी न घोषित कर दे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर सवाल उठाए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो राम मंदिर पर बाबरी तला लगा देगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे 400 सीटें इसलिए चाहिए जिसके बाद कांग्रेस बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर पर नहीं लगा सकेगी। उन्होंने कहा कि किस किस्म का बयान है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर आपने बना दिया, वहां आप गए, वहां हिंदुस्तान की जनता जा रही है, ऐसे बयान देने की आपको क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, नहीं तो आप ऐसा बयान नहीं देते। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दिग्गज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मार्केट से सभी वैक्सीन वापस मंगाने का फैसला किया है। कंपनी ने यह फैसला वैक्सीन लगने के बाद लोगों में गंभीर साइड इफेक्ट के मामले सामने आने के बाद लिया है। इसमें भारत में बनने वाली कोविशील्ड वैक्सीन भी शामिल है। अब कंपनी ने वैश्विक स्तर पर अपनी सभी वैक्सीन वापस मंगा रही है। बता दें कि हाल ही में कंपनी की ओर से कोर्ट में वैक्सीन लगाने के बाद गंभीर दुष्प्रभाव को स्वीकार किया गया था। अंग्रेजी अखबार ने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च या CSIR ने अपने कर्मचारियों को कहा है कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे से लड़ने के लिए सोमवार को इस्त्री किए गए कपड़े नहीं पहने। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि CSIR मुख्यालय द्वारा हाल ही में इस संबंध में अपनी सभी प्रयोगशालाओं को एक सर्कुलर भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि इसको लेकर 15 मई के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने की दिशा में एक और अवैज्ञानिक और विचित्र कदम उठाते हुए CSIR ने एक पखवाड़े का रिंकल्स अच्छे हैं अभियान शुरू किया है। अब तक के सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।